हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एल्गोरिदम्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए और हमने लास्ट क्लास में हमारा पहला एल्गोरिदम पढ़ना स्टार्ट किया, विच वाज लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन को भी हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे आप एक सिंगल वेरिएबल में लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है वो पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में, इफ यू रिमेम्बर, हमने इंट्यूशन समझा था इस एल्गोरिदम के पीछे, और हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन को। अब एज प्रॉमिस्ड, मैं आज के वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एकदम एंड टू एंड मैथ्स बताऊंगा इस एल्गोरिदम के पीछे का, और मैं स्क्रैच से इस एल्गोरिदम को क्रिएट भी करूंगा पाइथन में, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, साइकिट-लर्न का जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो हमने बनाया है, उन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि रिजल्ट्स सिमिलर आ रहे हैं कि नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जस्ट टू लेट यू नो, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि काफी कुछ कवर करना है और दो पार्ट्स में होगा। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में उसको कोड करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट इंट्रोडक्शन के लिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अ क्विक रिविजन, हम एक ऐसे डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पे हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल है और एक आउटपुट वेरिएबल है। हमने जो डेटा सेट लिया था उसमें सी जी पी ए वॉज द इनपुट कॉलम एंड पैकेज कितने का लगा दैट वॉज द आउटपुट कॉलम, और हमारा डेटा कुछ ऐसा दिख रहा था। परफेक्टली लीनियर तो नहीं था, सॉर्ट ऑफ लीनियर था, मतलब जैसे जैसे सी जी पी ए बढ़ रहा है आपके पैकेज का अमाउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम अगर ये परफेक्टली लीनियर डेटा होता तो एक लाइन ड्रॉ कर देते और उस लाइन के इक्वेशन से हम चीजें कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली ये डेटा लीनियर नहीं है। सो हमने फिर एक सेकेंड सोल्यूशन निकाला कि हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस्ट फिट लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सारे पॉइंट्स के एकदम क्लोजली पास हो, ठीक है। और अगर हमें ये लाइन निकालना है तो बेसिकली हमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को पता करना है, और इसको पता करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एम और बी। और हमने देखा था कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का जो एल्गोरिदम है साइकिट-लर्न ने, उसने एग्जैक्टली ये दोनों चीजें कैलकुलेट की थी, मैंने आपको दिखाया भी था। सो द होल आइडिया इज कि आपको एम और बी का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे एक ऐसा लाइन सेगमेंट निकले जो इस डेटा के ऊपर मिनिमम गलती करे या फिर सबसे एकदम पास से गुजरे, ठीक है। तो हमारा जो पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसमें नॉर्थ गोल यही, नॉर्थ स्टार यही रहेगा, हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे कि हमें एम और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये समरी है। अब एम और बी का जो वैल्यू है ये आप दो अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो, ठीक है। सो देर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज नॉन क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, नॉन क्लोज्ड फॉर्म। अब यू माइट आस्क क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है। क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, बट एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। अगर आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ो तो कभी भी अगर आप किसी चीज का मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज अ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन फॉर इट। मतलब इन मैथमेटिक्स अ क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। इट मे कंटेन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, सर्टेन वेलोन ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लीकेशन एंड फंक्शंस लाइक दीज, बट यहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन नहीं करते हो, ठीक है। सो अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊं क्लोज फॉर्म सोल्यूशन का, तो ये है, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, और उसका आंसर ये रहता है। सो सिंस आप एक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला में वैल्यूज डाल करके एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, दिस इज अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। वेयर एज इन अ नॉन क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप लीनियर रिग्रेशन में काम करते हो तो ये एम और बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और इस टेक्निक को ओएलएस बोला जाता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग ये टेक्निक सीखेंगे क्योंकि ये सिंपल है,
और हमारा जो साइकिट लर्न है वो यही टेक्निक यूज करता है इंटरनली अपने लीनियर रिग्रेशन क्लास में. ठीक है, नाउ कम्स द क्वेश्चन कि सेकेंड टेक्निक क्या है. सो सेकेंड टेक्निक एक अप्रोक्सीमेशन बेस्ड टेक्निक है जहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन वगैरह यूज करके चीजें करनी पड़ती हैं. यहाँ पे जो टेक्निक आप यूज करते हो मशीन लर्निंग में, हम उसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हो. सो ये एक बहुत फेमस टेक्निक है. इनफैक्ट आप मोस्ट ऑफ द बुक्स और यूट्यूब वीडियोज अगर आप देखोगे वहां पर यू वुड फाइंड आउट कि लीनियर रिग्रेशन लोग ग्रेडियंट डिसेंट के टर्म्स में ही सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो जब मैं पहली बार लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहा था और जब मुझे पता चला कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, ओएलएस से भी सेम काम होता है, ग्रेडियंट डिसेंट से भी सेम काम होता है, तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन वही आया जो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है किसी चीज का तो मैं ग्रेडियंट डिसेंट जैसा टेक्निक क्यों यूज करूंगा. द आंसर इज कि जब आप हायर डायमेंशन में काम करते हो, जैसे अभी आपके पास सिर्फ 1D डेटा है, सिर्फ CGP है आपके पास, बट अगर ये डायमेंशंस बढ़ जाते हैं तो हायर डायमेंशन में ये फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है M और B के लिए. वहां पर फिर आपको एफिशिएंट टेक्निक हो जाती है ग्रेडियंट डिसेंट. इन शॉर्ट दोनों टेक्निक्स अवेलेबल है, बट अगर आप छोटे नंबर ऑफ डायमेंशंस पे काम कर रहे हो तो यू शुड डू OLS बिकॉज इट वुड टेक लेस मैथमेटिक्स एंड टाइम एंड ऑल. बट जैसे ही डायमेंशंस बढ़ते हैं यहां पर एक प्रॉब्लम होता है. वो प्रॉब्लम क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसकी वजह से आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हो. एंड दैट इज वाई बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में आप देखोगे कि लोग डायरेक्टली ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाते हैं. बट जो लीनियर रिग्रेशन क्लास है साइकिटलर्न का, मैंने जितना पढ़ा है उसके अंदर इंटरनली OLS इंप्लीमेंटेड है, नॉट ग्रेडियंट डिसेंट. एक और क्लास है जिसको हम बोलते हैं SGD रिग्रेसर. इस क्लास में ग्रेडियंट डिसेंट इंप्लीमेंटेड है. सो अगर आपको OLS के थ्रू लीनियर रिग्रेशन करना है तो लीनियर रिग्रेशन वाला क्लास यूज करो. अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू लीनियर रिग्रेशन करना है देन यू हैव SGD रिग्रेसर. मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट आज हमारा फोकस इज कि हम OLS को यूज करके कैसे M और B का वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड द गुड पार्ट इज कि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है और वो फॉर्मूला ये है. लेट मी शो यू. सो B का फॉर्मूला ये है, B कैलकुलेट करने का, Y बार माइनस M X बार. यहाँ पे Y क्या है, पैकेज कितने का लगा, और X क्या है, CGPA. राइट, सो अगर आपके पास M का वैल्यू है तो आप B का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. बट M का वैल्यू कहाँ है, तो M का वैल्यू के लिए भी एक फॉर्मूला है, थोड़ा डरावना बट इतना भी डरावना नहीं है. XI माइनस X बार, YI माइनस Y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके N XI माइनस X बार का होल स्क्वायर. This is the formula. So, पहले obviously आप M calculate करोगे और उस M को calculate करके आप B को calculate करोगे. ठीक है, अब एक दो चीजें यहाँ पे समझ लो कि ये X bar और Y bar क्या है. These are mean values. So, X bar is mean of CGPA, Y bar is mean of package. ठीक है, और ये XI और YI क्या represent कर रहा है, the current row का CGPA and current row का package. ठीक है, सो या नटशेल में लीनियर रिग्रेशन जो क्लास है साइकिटलर्न का, वो ये दो फॉर्मूलेज यूज करके आपको आंसर्स निकाल के दे रहा था. बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे जैसे हम इन्वेंट कर रहे हैं. दैट इज माई प्लान. मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको लगे कि हम इन्वेंट कर रहे हैं. तो मैं आपको ये फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं, ये पूरा मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाऊंगा. और फिर जब वो फॉर्मूलाज निकल जाएंगे, यू वुड सी कि आपको यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तब हम उसको एक क्लास में कन्वर्ट करेंगे जैसे लीनियर रिग्रेशन का क्लास है. सो लेट्स स्टार्ट दैट. सो गाइस चलो अब एकदम बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और एकदम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है स्क्रैच से क्रिएट करते हैं. ठीक है, बात करेंगे और बात करके उसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे. सो नटशेल में फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सॉर्ट ऑफ लीनियर हैं और मुझे उनके ऊपर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना है. और बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने का मतलब मुझे M और B का वैल्यू निकालना है. अब बेस्ट फिट लाइन क्या होता है,
बेस्ट फिट लाइन वो लाइन होता है जो हर पॉइंट के एकदम पास से होके गुजरने का ट्राई करेगा। इसका मतलब वो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट से लेके लाइन का जो डिस्टेंस है, आई ड्रॉ इट लाइक, ये जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट के लिए इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। क्योंकि सोच के देखो, जो बेस्ट लाइन होता, जो परफेक्ट लाइन होता, वो इन सब के ऊपर से पास करता तो फिर ये डिस्टेंस कभी होता ही नहीं, राइट? बट ये लाइन सबसे पास नहीं कर पा रहा है, तो हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एक एरर है इस लाइन का, ठीक है? अब व्हाट इफ मुझे वो लाइन फाइंड करना है जो इस पूरे के पूरे एरर को मिनिमाइज करे, तो उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, ये जो टोटल एरर है इसके लिए एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो एट द एंड ये जो डिफरेंस है, ये एक डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। सो अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को d1 बोलूं, इसके रिस्पेक्ट में d2 बोलूं, इसके रिस्पेक्ट में d3, d4, d5 एंड d6 बोलूं, तो अगर मुझे टोटल एरर निकालना है या टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, d1 plus d2 plus d3 dot 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 plus dn, n यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, या फिर आपके पास कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है? अब व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, मैं ये जो टोटल एरर निकाल रहा हूं इसको मैं स्क्वायर करके ऐड करना चाहता हूं। आई गेस आपको इसका रीजन समझ में आ रहा होगा। क्लियरली इसका रीजन ये है कि आपके जो डिस्टेंसेस हैं, मतलब ये जो एरर्स हैं, ये लाइन के ऊपर भी हैं, लाइन के नीचे भी हैं। सिंस मुझे टोटल एरर निकालना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट करने लगेगा। सो व्हाट आई वांट इज कि मैं स्क्वायर कर दूं, सो दैट सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाए, राइट? अब आप क्लियरली क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो बॉस आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, मॉड डी वन प्लस मॉड डी टू प्लस मॉड डी थ्री एंड सो ऑन, मॉडुलस क्यों नहीं यूज कर रहा मैं इंस्टेड ऑफ स्क्वायर? इसके दो रीजंस मैं आपको दे सकता हूँ। रीजन वन इज कि मैं आउटलायर्स को, जो बहुत दूर वाले पॉइंट्स हैं, उनको पेनलाइज करना चाहता हूँ। और रीजन टू इज, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि हमें एक जगह पे जाके डिफरेंशिएशन करना है ये पूरे एक्सप्रेशन का। और आपको शायद पता होगा कि मॉड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा। वेयर एज जब आप स्क्वायर लेते हो, तो स्क्वायर का आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, तो दैट इज व्हाई मैंने स्क्वायर लिया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि फोर भी ले सकते थे, टू दी पावर फोर, टू दी पावर एट, टू दी पावर 16, तो मैं बोलूंगा मजाक मत करो यार, मतलब ऑब्वियसली जब दो से काम चल रहा है तो चार क्यों करोगे, सिंपल लॉजिक है, ठीक है? सो एरर का टर्म को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरे को बचपन में बहुत डर लगता था ये सिग्मा नोटेशन से, धीरे धीरे मशीन लर्निंग की वजह से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या लिखा। सी, इस पे फोकस करो, ये जो है ना, ये हमारा एरर फंक्शन है, दिस इज आवर एरर फंक्शन। इसको मशीन लर्निंग के लिंगो में लॉस फंक्शन भी बोला जाता है। इसको कभी कभी आप जे से रिप्रेजेंट करते हो, जो बढ़िया किताबें हैं मशीन लर्निंग की वो लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं फिलहाल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो या अगर आप देखो तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया मेरे लाइन सेगमेंट के लिए। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं पहले क्या बोलता था, मैं पहले बोलता था कि मुझे एक ऐसा लाइन सेगमेंट दो जो सारे पॉइंट्स के एकदम पास से होके गुजरने का ट्राई करे। अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे एक ऐसा एम और बी दो जो इस इक्वेशन के वैल्यू को मिनिमाइज कर दे। मुझे एक ऐसा एम और बी चाहिए जिसकी वजह से ये पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए, राइट? अब एक काम करते हैं, इस एरर फंक्शन को थोड़ा सा और डीकम्पोज करते हैं, हम अब्स्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा घटा रहे, ठीक है? सो ध्यान से देखना। अब सोच के देखो, अगर कोई भी एक डिस्टेंस को आप पकड़ो, ये एक डिस्टेंस है, इसको आप पकड़ो, ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइंट यहां होना चाहिए था, बट ये पॉइंट यहां पर है, मतलब
मेरे लाइन के हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये पॉइंट रियलिटी में यहाँ है, एंड दैट इज वाई मेरा जो लाइन है वो इस पॉइंट के ऊपर इतनी गलती कर रहा है, ठीक है। और ये गलती आपके वाई के टर्म्स में, मतलब पैकेज के टर्म्स में, मतलब अगर आपका पॉइंट यहाँ पे होता तो उसका एक्स तब भी उतना ही होता, CGPA तब भी उतना ही होता जितना ओरिजिनल में भी है, राइट। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, y वैल्यू में। सो अकॉर्डिंग टू my डेटा मेरा जो एक्चुअल y है, मतलब इस बंदे का जो एक्चुअल पैकेज है वो यहां पर है, बट मेरा जो लाइन प्रिडिक्ट कर रहा है इस बंदे का पैकेज वो यहां पर है। सो ये जो डिस्टेंस है ना, यही एरर है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। मेरा मॉडल बोल रहा है तुम्हारा पैकेज कम होना चाहिए, बट रियलिटी में उसका पैकेज ज्यादा है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, जैसे ये एक पॉइंट होगा, इसका एक एक्स और वाई वैल्यू होगा, अभी कौन से नंबर का पॉइंट है मुझे नहीं पता, तो मैं इसके एक्चुअल वाई वैल्यू को वाई आई बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है। और जो इसका प्रिडिक्शन हो रहा है उसको मैं वाई आई हैट बोल रहा हूँ। जनरली आप मशीन लर्निंग में हैट से रिप्रेजेंट करते हो प्रिडिक्शन को, मशीन लर्निंग मॉडल के प्रिडिक्शन को आप हैट से रिप्रेजेंट करते हो। सो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है डी आई, दिस डिस्टेंस डी आई कैन एक्चुअली बी रिटन लाइक वाई आई, मतलब एक्चुअल वाई वैल्यू माइनस वाई आई हैट फॉर एवरी पॉइंट द एरर नाउ कैन बी रिटन एज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे वाई आई क्या बता रहा है, डेटा में एक्चुअल पैकेज कितना है, और वाई आई हैट क्या बता रहा है कि मेरे मॉडल के हिसाब से इस स्टूडेंट का पैकेज कितना होगा। इसमें जो डिफरेंस है यही तो हमारा एरर है हर पॉइंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। और टोटल एरर क्या होगा, एक स्टूडेंट के लिए जो एरर है सारे स्टूडेंट के एरर को जोड़ दो, वही हमारा टोटल एरर है, और वो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। सो एरर विल नाउ बिकम सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आई के बदले वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। अब अगर आपको एवरेज एरर निकालना है तो आप इसको 1/n से डिवाइड कर सकते हो, बट मैं एवरेज एरर नहीं निकाल रहा, मैं टोटल एरर निकाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा लोग एवरेज एरर निकल के काम कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग एवरेज एरर, आई एम जस्ट टेकिंग द टोटल एरर। सो गाइज, हमें एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन के वैल्यू को मिनिमाइज करे, क्योंकि देखो लाइंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है। हमें एक ऐसा एम और बी चाहिए जिसको जब हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो आपका ये फॉर्मूला का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए। अब तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजेगी और आप बोलोगे बट बॉस यहाँ पे एम और बी तो है ही नहीं, तो एम और बी का कोई भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू कहां से चेंज होगा। वैलिड क्वेश्चन, एम और बी नहीं है, सामने नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, ध्यान से देखो। वाई आई हैट कैलकुलेट कैसे होता है, सोच के देखो, किसी भी स्टूडेंट का पैकेज कितने का लगेगा ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपके पास एम और बी है तो आप क्या करोगे, एम एक्स आई प्लस बी, दिस इज योर वाई आई हैट, लाइन के इक्वेशन से ही तो निकालोगे। तो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आपका वाई आई हैट इज एक्चुअली इक्वल टू एम एक्स आई प्लस बी, राइट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको रिप्लेस कर दूं और मैं लिखूं ई इज इक्वल टू, एक्चुअली अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अगर आप अब ध्यान से देखो तो हमें एक ऐसा एम और बी चाहिए जिसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम हो, राइट। अब यहाँ पे एम भी है बी भी है, बाकी जो दो टर्म्स हैं ये एक्चुअली कांस्टेंट है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वाई आई क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पैकेज, एक्स आई क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का सीजीपीए, ये तो डेटा में है, आप चेंज नहीं कर सकते। आप बस क्या चेंज कर सकते हो, एम और बी, बस यही दो चीजें चेंज करके आप इस एरर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और ये एक्चुअली भी लॉजिकल है यार, आप सोच के देखो, आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट उठाने का ऑप्शन है, बट आप सिर्फ उस लाइन सेगमेंट को उठाना चाहते हो, उस एम और बी को उठाना चाहते हो
जो इस इक्वेशन के वैल्यू को मिनिमाइज कर दे। और सोच के देखो ना यार, एक एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, बट लाइंस, एक लाइन से दूसरी लाइन पे आप कैसे जाओगे? एक दूसरी लाइन आपको चूज करनी है, मान लो आपको ये लाइन पसंद नहीं है, आपको ये लाइन पे जाना है, तो आप दो ही तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो 2D स्पेस में। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप अपना स्लोप को फिक्स रख के इस लाइन को ऊपर या नीचे लेके आते हो, मतलब आप m, मतलब आप b को वैरी करते हो और m को कांस्टेंट रखते हो, राइट? और सेकंड तरीका क्या है कि आप लाइन को ऐसे ऐसे घुमाते हो अपना इंटरसेप्ट को फिक्स रख के। तो मतलब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत लॉजिकल है कि आपका एरर फंक्शन m और b पे डिपेंड कर रहा है। सी, एरर फंक्शन इज जस्ट लाइक एनी नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि f of x का मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, x। मतलब x का वैल्यू चेंज करने पे आपका y का वैल्यू चेंज होगा। सो ये जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है, वेयर एज आपका जो एरर फंक्शन है वो दो चीजों का फंक्शन है, m और b, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। मतलब अगर आप स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों का वैल्यू या फिर किसी एक का वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे तो आपके एरर फंक्शन में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2D स्पेस में एक लाइन को मूव करने के दो ही तरीके, या तो आप उसका स्लोप घुमा दो या फिर आप उसका इंटरसेप्ट बढ़ा घटा दो, या फिर दोनों चीजें साथ में करो, राइट? एंड दैट इज वाई आपका एम और बी के ऊपर ही आपका एरर फंक्शन डिपेंड कर रहा है। सो हमने गाइस नटशेल में काफी दूरी कवर कर ली। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, हमारे पास एक डायरेक्शन है जहां पे हम मूव करेंगे। हमें एरर फंक्शन मिल गया है जो कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, एम और बी, और इसको आप ऐसे लिखोगे yi-mxi-b का होल स्क्वायर। अब बस मुझे नेक्स्ट स्टेप में इतना करना है कि मुझे m और b का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये पूरा वैल्यू मिनिमम हो जाए, वही मेरा लाइन सेगमेंट है। लेट्स डू दैट। सो नाउ गाइस लेट्स डिस्कस कि जब हम बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x तो इसका क्या मतलब है। सो आपने देखा होगा ये नोटेशन बहुत जगह, इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x के वैल्यूज को चेंज करते हो तो y में चेंजेस आते हैं। सो इन अ वे x इज लाइक अ सेटिंग नॉब फॉर y, राइट? अगर ये लॉजिक को हम हमारे फंक्शन के ऊपर लगाएं, हमारे एरर फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास एक्चुअली दो ट्यूनिंग नॉब्स हैं, m और b। मतलब m को भी घुमाने से E में चेंजेस होंगे और B को घुमाने से भी E में चेंजेस होंगे, और ऑब्वियसली दोनों को घुमाने से भी E में चेंजेस होंगे, राइट? अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इंडिविजुअली M को घुमाने पे और इंडिविजुअली B को घुमाने पे E में क्या चेंजेस होंगे। दैट इज आवर नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट, ठीक है? सो आई विल डिवाइड दिस डिस्कशन इंटू टू पार्ट्स। पहले मैं इंडिविजुअली M का बात करूंगा, फिर मैं इंडिविजुअली B का बात करूंगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ M। So, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो b है उसका वैल्यू जीरो है, इट्स अ कांस्टेंट, वैरी नहीं करता। तो अब आपका ये एरर फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, e इज नाउ जस्ट द फंक्शन ऑफ m। अब सिर्फ एक ट्यूनिंग नॉब बचा m, दिस इज इक्वल टू 1 से लेके n y i माइनस m x i, b जीरो हो चुका है, स्क्वायर, राइट? अब ध्यान से देखो, मुझे पता करना है कि m को घुमाने से e में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है? और ये काम मैं मैथमेटिकली नहीं करूंगा, इंट्यूशन वाइज करूंगा। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर एक ग्राफ बना लिया, यहां पे x एक्सिस पे m है, y एक्सिस पे e है, ठीक है? मुझे पता करना है कि m की हर वैल्यू के लिए e का क्या चेंज आ रहा है। मैं वापस आपको रिग्रेशन डायग्राम दिखाता हूं। ये हमारी लाइंस है, मतलब ये हमारे पॉइंट्स हैं, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा रिग्रेशन लाइन है, ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि b जीरो है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखो, b कांस्टेंट है, आप b में चेंजेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ m में चेंजेस कर सकते हो। तो मतलब आप बस इस तरीके से घुमा सकते हो, आप ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकते, राइट? बस आपके पास यही मूवमेंट है। सो इसका मतलब एक लाइन ये हो सकता है, एक लाइन ये हो सकता है, एक लाइन y एक्सिस के ऊपर हो सकता है। सो बेसिकली इसी ओरिजिन के चारों तरफ आप 360 डिग्री पे घूम सकते हो, राइट? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। मान लो कि अभी m का वैल्यू
लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं 10 है, ठीक है, m का वैल्यू 10 है तो एरर आ रहा है लेट्स से 50। ये सारे मतलब इमेजिन नंबर्स हैं, ऐसा सच में नहीं होगा। मान लो कि जब m का वैल्यू 10 है तो e का वैल्यू 50 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया और मैं थोड़ा सा पॉइंट्स की तरफ आ गया। अब सोच के देखो, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे ज्यादा गलतियां करेगा या फिर ये लाइन? आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि जो सेकंड वाला लाइन है ये सिंस पॉइंट्स की तरफ मूव कर गया ये थोड़ी कम गलतियां करेगा, राइट? लाइक यहाँ पे कुछ आएगा, मतलब जैसे आपने स्लोप को बढ़ाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो अब पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। अब आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो अब गलतियां बढ़ने लग जाएंगी वापस ऐसे। आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, गलतियां बढ़ने लग जाएंगी, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि m को घुमाने से e में कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है, मतलब कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये परफेक्ट पैराबोलिक रिलेशनशिप है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, हमें एग्जैक्टली अभी नहीं पता, ठीक है। बट इतना पता है कि कुछ इस तरह का कर्व है, हमने काइंड ऑफ हल्का सा देख लिया, ठीक है। अब सेम डिस्कशन करते हैं b को पकड़ के। इस बार हम m को कांस्टेंट मान लेते हैं, m का वैल्यू मान लेते हैं 1। नाउ लेट्स डू द सेम डिस्कशन यूजिंग b। तो अब क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन है, अब ये e जो है ये फंक्शन हो जाएगा b का और आपका फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा yi माइनस m, आई एम सॉरी नॉट m, yi माइनस xi माइनस b का होल स्क्वायर। अगर मैं फिर से सेम काम करूं और मैं b के लिए e को प्लॉट करूं तो इस बार आई गेस आपको फिर से समझ में आ रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो कि आप किसी भी b वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हो और इस बार आपका m कांस्टेंट है, तो मतलब आप ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकते हो, आप बस ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो, राइट? अब मान लो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, b का वैल्यू 10 है और इस पॉइंट पे e का वैल्यू मतलब एरर जो है, ये जो सारा एरर है ये मान लो अभी 50 है, तो आपने यहां से स्टार्ट किया। अब आप इस लाइन को थोड़ा ऊपर लेके गए और आपने ये पॉइंट, ये लाइन पकड़ा, ऑब्वियसली ये लाइन कम गलतियां करेगा तो आपका एरर कम हो जाएगा। फिर आप थोड़ा ऊपर लेके जाओगे, गलतियां फिर से बढ़ जाएंगी। सो यहां पर भी यू कैन सी कि एक सिमिलर रिलेशनशिप आ रहा है ई और बी के बीच में, नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, अगेन ये कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, बट कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं बी और ई का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का है और ई और एम का रिलेशनशिप भी कुछ इस तरीके का है, अब हम दोनों को साथ में लेते हैं और एक 3D ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे इस तरफ बी है, इस तरफ एम है और यहाँ पे ई है। अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो ग्राफ होगा 3D में ये कैसा होगा। मैं आपको हेल्प करता हूँ बाय शोइंग यू कि एक्चुअली कैसा होता है। सो मुझे बस ये टर्म सर्च करना है, ग्रेडियंट डिसेंट जिफ, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ग्राफ किस तरीके का होता है। दिस इज एक्चुअली एन इमेज, इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, एंड या गाइस ये देखो। सो इन लोगों ने थीटा 1 और थीटा 0 से रिप्रेजेंट किया है m और b को, और j है अपना एरर फंक्शन, ठीक है। सो यू कैन सी ये जो एरर फंक्शन है ये एक्चुअली एक पहाड़ी और खाई के फॉर्म में है, राइट? पहाड़ी और खाई के फॉर्म में। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस इमेज, आई विल गो बैक एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार। या अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करते हैं, विस्तार से चर्चा। यस, सो गाइस देखो, हमारा एरर फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि वहां पे आपके पास पहाड़ होंगे, लाइक आपका सर्टेन m, मैं इनफैक्ट यहां पे लिख देता हूं, दिस थिंग इज m एंड दिस थिंग इज b। सो अगर आप समझने का ट्राई करो इस ग्राफ को, तो फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ m एंड b आपका एरर मैक्सिमम होगा लाइक दिस, राइट?
और फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एम एंड बी आपका वैल्यू एरर का मिनिमम होगा. सो जब भी आप पहाड़ पे हो आप ऐसे एम और बी के वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हो जिससे एरर बढ़ रहा है, और जब भी आप खाई में हो तो आप ऐसे एम और बी के वैल्यू पे काम कर रहे हो जो मिनिमम कर रहा है एरर को. तो ऑब्वियसली हमें कैसा एम और बी का वैल्यू चाहिए? हमें वैसा एम और बी का वैल्यू चाहिए जहां पे एरर फंक्शन का जो वैल्यू है वो मिनिमम. यही तो हमारा फॉर्मुलेशन था. बट हमें कैसे पता चलेगा एम और बी का वो वैल्यू इस पूरे पहाड़ और खाई के बीच में? आई गेस आपने इतना कैलकुलस पढ़ा है और आपने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. आपको भी पता होगा कि अगर आप अपने एरर फंक्शन के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल कर दो तो आपको पता चल जाता है कि सी मतलब मैं एक पॉइंट स्किप कर गया कि जब भी आप मिनिमम पे होगे तो आपका जो स्लोप होगा वो जीरो होता है, राइट? और स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो करना होता है, राइट? तो हम वही करेंगे, हम हमारे एरर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एम एज वेल एज बी, और दोनों को हम इक्वल टू जीरो करेंगे. मतलब अगर ये सिंगल इक्वेशन होता, सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा होता, तो मैं सिंपली डीई बाई डी एक्स निकाल के जीरो कर देता. बट ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली ऐसा है कुछ, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज वाई, सो ई इज अ फंक्शन ऑफ एम एज वेल एज बी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करने पड़ेंगे. सो मुझे डेल ई बाई डेल एम निकाल के जीरो करना पड़ेगा और मुझे डेल ई बाई डेल बी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा. और इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगी और उन दो इक्वेशंस से हमारे पास दो अननोन्स हैं एम और बी. हम इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड. सो अभी तक हमने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया डिस्कशन, अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि हमें डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो करके एम और बी का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, वही हम नेक्स्ट करेंगे. सो बस गाइज अब यहाँ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैथ्स लगाना है. पहले हम बी वाला सॉल्व करेंगे और फिर जब बी का इक्वेशन मिल जाएगा तो हम एम सॉल्व करेंगे, ठीक है? दैट्स द प्लान. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव टू फाइंड आउट डेल ई बाय डेल बी और दिस विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल बी. और मेरा जो इक्वेशन है वो ये है, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये समेशन से डरने की जरूरत नहीं है गाइस, आप ऐसे समझो कि हर स्टूडेंट के लिए एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है, यही मतलब है. तो आप चुपचाप क्या कर सकते हो, इस समेशन को बाहर निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन को अंदर भेज सकते हो. सो यू कैन रीराइट इट लाइक दिस. बाय द वे इसको आपको इक्वल टू जीरो करना है. सो यू कैन रीराइट इट लाइक दिस. सिग्मा मैं बार बार आई इक्वल टू वन से लेके एन नहीं लिख रहा हूँ, आपको अब समझ में आ चुका है. डेल बाय डेल बी ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये मुझे करना है. अब ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा. आई होप आपको चेन रूल पता है, अदरवाइज आप एक यूट्यूब सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा. सो सिग्मा बाहर है और चेन रूल लगाने पे यहाँ जाएगा टू, ये वाला टू बाहर आ जाएगा और आप मल्टीप्लाई करोगे वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी से और फिर आप इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करोगे. तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस वन आ जाएगा. सो वो माइनस वन आप यहाँ पे लगा सकते हो, माइनस टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो, राइट? अब दोनों साइड अगर आप माइनस टू से डिवाइड कर दो तो आपके पास बचेगा सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी इक्वल टू जीरो. मैं यहां लेके आ रहा हूं सारी चीज को. सो अब मैं क्या कर रहा हूं कि हर टर्म को मैं अलग कर सकता हूं सिग्मा के साथ. सो मैं लिखूंगा सिग्मा वाई आई माइनस सिग्मा एम एक्स आई माइनस सिग्मा बी इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में एन से डिवाइड कर दे रहा हूं. एन आपको याद होगा, एन इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया. नाउ बहुत सिंपल है गाइस. अब आप देखो ये क्या है, ये है सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब मीन ऑफ वाई. सो आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे वाई बार और अगर मैं यहां से एम को बाहर निकाल लूं
तो बाकी का जो टर्म है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन वो भी क्या है, मीन ऑफ एक्स। और अब यहां पे देखो सिग्मा बी क्या है, सो मेरे पास अगर एन पॉइंट्स है तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी डॉट 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 प्लस बी एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन बी। सो ये आ जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू जीरो, ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा वाई बार एम एक्स बार इक्वल टू बी, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। ये रहा गाइज मेरा इक्वेशन, पर गेस व्हाट, जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो यही था, ये देखो इस पे फोकस करो, राइट निकाल लिया हमने। अब हम इस बी को फिट करेंगे सेकेंड वाले में और हमें एम का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं ई के इक्वेशन में पहले तो बी का वैल्यू फिट करूंगा। सो ई का इक्वेशन ये है वाई आई माइनस एम एक्स आई और माइनस बी है, तो मैं ये वाला टर्म फिट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एम। सो फिर से सेम काम हो जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा और आपको लिखना है डेल ऑफ डेल एम वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और फिर से चेन रूल अप्लाई होगा। सो आपका पूरा का पूरा ये टर्म टू टाइम्स बाहर आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे सिग्मा है माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार, ठीक है। और फिर आपको डिफरेंशिएट करना है इस पूरी चीज को, सो एक एक करके अगर आप डिफरेंशिएट करो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म से आएगा माइनस एक्स आई, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म से आएगा प्लस एक्स बार, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस वन निकाल सकते हैं, सो दिस एंटायर थिंग विल बिकम माइनस टू वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार, और यहां पे आ जाएगा एक्स बार बाहर नहीं आएगा, जस्ट वन सेकेंड, एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैनिपुलेशन है यार, ये माइनस टू से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अंदर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे, सो दिस वुड बिकम सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। और अगर मैं माइनस एम कॉमन निकाल लूं तो अंदर आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, राइट। अब मैं ये अंदर मल्टीप्लाई करूं अगर टर्म तो आएगा सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एम एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं सिग्मा अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एम टाइम्स सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और अब अगर मैं एम निकालूं तो एम हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू वन और ये आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर एम गाइज, दैट इज योर एम, राइट। यही सेम एम अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऊपर था यहां पर, सी सेम चीज हमने नीचे कैलकुलेट किया,
ठीक है. सो दैट्स इट, हमने एम और बी का वैल्यू एग्जैक्टली स्क्रैच से फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू कैलकुलेट किया. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. इन दोनों वैल्यूज को यूज करके वी विल क्रिएट अ पाइथन क्लास जो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो scikit-learn का लीनियर रिग्रेशन क्लास करता है. सो लेट्स डू दैट. सो गाइज नाउ आई विल जस्ट क्रिएट न्यू क्लास, कुछ भी नाम दे दूंगा मैं उस क्लास का, और मैं एक फुल फ्लेज्ड क्लास बनाऊंगा जहां पे आप अपने मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हो, अपने मॉडल को टेस्ट भी कर सकते हो, एज इन रन भी प्रिडिक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, तो सी बहुत सिंपल है. यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लास. लेट्स से हमने इस क्लास का नाम रख दिया मेरा LR, मेरा लीनियर रिग्रेशन. आपको क्लास है तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा. ये रहा मेरा कंस्ट्रक्टर, और इनिशियली मैं दो चीजों को इनिशियलाइज कर रहा हूँ. M, इसका वैल्यू शुरू में नन है, और B, इसका भी वैल्यू शुरू में नन है. अब सिंस ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, इसमें दो मेथड्स तो होने ही चाहिए. फर्स्ट होगा फिट, जिसको आप यूज करते हो टू ट्रेन योर मॉडल. तो इसको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा एक्स ट्रेन और एक मिलेगा वाई ट्रेन, और इसके अंदर कुछ कोड होगा. और इसके अलावा एक फंक्शन और होगा प्रिडिक्ट बोल के, इसमें आपको सिर्फ एक इनपुट मिलेगा और वो है एक्स टेस्ट, और इसके अंदर भी कुछ कोड होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है. हमें यहाँ से एक्स ट्रेन मिलेगा और वाई ट्रेन मिलेगा, और हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है. लीनियर रिग्रेशन में मॉडल को ट्रेन करने का मतलब है एम और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना. ठीक है, मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ जो कोड है जो इस क्लास को यूज करेगा वो भी लिख लेता हूँ, सो दैट मैं आपको साथ ही साथ चला के दिखा पाऊँ. सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम डेटा सेट जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था, प्लेसमेंट वाला. सो दैट वॉज placements.csv. इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज df.head. दिस वॉज द डेटा सेट. अब मैं यहाँ पे x और y अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लूंगा. सो x वुड बी df.iloc, सारे रोज, zeroth कॉलम, डॉट वैल्यूज. डॉट वैल्यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं numpy array एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. और y इज इक्वल टू df.iloc, फर्स्ट कॉलम, डॉट वैल्यूज. ठीक है, सो ये रहा मेरा x, ये मेरे सारे cgpa वैल्यूज हैं, और ये रहा मेरा y, ये मेरे सारे पैकेज कितने का लगा ये वाले वैल्यूज हैं. नेक्स्ट स्टेप में मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा. सो आई विल राइट x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट, और यहां पे मैं लिखूंगा x कॉमा y कॉमा टेस्ट साइज इक्वल्स 0.2 एंड रैंडम स्टेट इक्वल्स 2. हमने लास्ट वीडियो में भी रैंडम स्टेट 2 रखा था. ठीक है, अब मुझे बस क्या करना है, मैं आपको बस एक काम करके दिखाता हूँ कि मैं आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे आई विल क्विकली प्रिंट आउट x ट्रेन डॉट शेप. इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरा डेटा सही से मेरे पास आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सो इस पॉइंट पे मेरा एक्स ट्रेन का शेप यहाँ पर है 160. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ LR, मेरा LR क्लास का. ठीक है, और LR के पास अब फिट और प्रिडिक्ट ये दोनों मेथड्स हैं. यहाँ पे आई विल पास माई एक्स ट्रेन कॉमा my y train, and you can see मेरे पास same shape आ रहा है. so इसका मतलब मैं यहाँ पे x train और y train receive कर पा रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे क्या करना है guys, बहुत simple है. मेरे पास ये दोनों तरीके हैं m और b calculate करने का. मैं पहले m calculate करूँगा, और m calculate करने के लिए भी मैं first numerator calculate करूँगा. I will calculate this numerator, और फिर मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा डिनोमिनेटर. दोनों को डिवाइड करने से मुझे m मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है. अब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज बेसिकली आप अपने हर रो के लिए, अपने हर पॉइंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे. आप हर स्टूडेंट के लिए
ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर हर स्टूडेंट का जो ये वैल्यू आएगा उसको जोड़ दोगे, यही आपका न्यूमरेटर है। तो देखो कुछ करना नहीं है हमें, हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। अब ये कोड लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, हम ये लूप चलाएंगे फॉर आई इन द रेंज ऑफ एक्सट्रीम डॉट शेप का जीरो, ठीक है। ये लूप 160 टाइम्स घूमेगा बिकॉज अगर आप इस कोड को रन करो बाहर आकर के भी तो यू वुड सी 160 है। तो ये जो कोड है हमारा ये 160 टाइम्स घूमेगा और मैं यहां पर सेल्फ, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक न्यूमरेटर बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो इनिशियली जीरो है, डिनोमिनेटर बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो इनिशियली जीरो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फॉर एवरी स्टूडेंट, जितनी बार ये लूप चल रहा है उतनी बार मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है उसके लिए ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, एक्स आई और एक्स बार। एक्स आई क्या है, एक्स ट्रेन का आईएथ वैल्यू, ठीक है, अगर फर्स्ट स्टूडेंट है तो फर्स्ट स्टूडेंट का सीजीपीए, माइनस एक्स ट्रेन का मीन, राइट। मतलब सोच के देखो, मेरा एक्स ट्रेन जब मैं पहले स्टूडेंट का बात करूंगा तो ये पहले स्टूडेंट का सीजीपीए है, ठीक है, ये मेरे फर्स्ट स्टूडेंट का सीजीपीए है एक्स ट्रेन के अंदर। अगर मैं एक्स ट्रेन प्रिंट कराऊ यू वुड सी कि पहले स्टूडेंट का सीजीपीए 7.14 है, ठीक है। और अगर मैं मीन निकालूं तो मीन इज दिस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने ये निकाला फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है विथ वाई ट्रेन का फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम एज इन आईएथ आइटम, माइनस y ट्रेन का मीन, राइट। और ये जो पूरा वैल्यू आ रहा है, दिस एंटायर वैल्यू, ये हर स्टूडेंट का वैल्यू है, मैं न्यूमरेटर में इसको ऐड कर दे रहा हूं और फिर वापस न्यूमरेटर में डाल दे रहा हूं। सो पहली बार न्यूमरेटर जीरो है, जब आप फर्स्ट स्टूडेंट का बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करके न्यूमरेटर में डाल दे रहे हो, फिर जब आप सेकंड स्टूडेंट का बात कर रहे हो तो आप सेकंड स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो और फर्स्ट स्टूडेंट का जो वैल्यू था उसमें ऐड कर दे रहे हो और ऐसा आप 160 टाइम्स कर रहे हो, यही आपका न्यूमरेटर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपको पता है, डिनोमिनेटर के केस में आपको क्या करना है, आपको लिखना है डिनोमिनेटर प्लस, आपको बेसिकली एक्स आई माइनस एक्स बार को दो बार मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपको बस इसको कॉपी करना है और फिर से इसी को पेस्ट कर देना है, लाइक दिस, दिस इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है। और इतना करके आप लूप से बाहर निकलोगे, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, आई जस्ट चेक, आप बाहर निकलोगे लूप से, पता नहीं ये टैब क्यों मिसबिहेव कर रहा है, और आप लिखोगे सेल्फ डॉट एम इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, That's your slope. और फिर आप b कैलकुलेट करोगे, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है y ट्रेन डॉट मीन माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई एक्स ट्रेन डॉट मीन। सो आप लिखोगे y ट्रेन डॉट मीन माइनस m, m as in self dot m multiplied by x ट्रेन डॉट मीन, और इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। और अब मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि आपका सेल्फ डॉट एम क्या है और आपका सेल्फ डॉट बी क्या है, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा, अभी भी सो या गाइस, मैंने कुछ ब्रैकेट्स मिसमैच कर दिए थे, नाउ इट इज फाइन। और अब इस कोड को रन करते हैं, रन हो गया। और अब हम क्या करेंगे, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अब lr डॉट फिट करने पे यू कैन सी मेरा m वैल्यू ये है और मेरा
बी वैल्यू ये है। अब अगर आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में साइकिट लर्न यूज किया था, सी हमने साइकिट लर्न यूज करके सेम काम किया था विद सेम रैंडम स्टेट एंड ऑल। सो वहां पे अगर आपको याद होगा हमने लास्ट में जाके एक चेक किया था कि हमारा एम क्या है और हमारा बी क्या है। इफ यू रिमेम्बर वहां पे हमारा एम आ रहा था ये 0.55 और वहां पे हमारा बी आ रहा था 0.89611। ये रहा एज इट इज सेम बिकॉज मैंने आपको बोला लीनियर रिग्रेशन जो साइकिट लर्न वाला है वो इंटरनली सेम फॉर्मूला यूज कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से टेस्ट का कोड लिख के दिखाता हूँ, एज इन प्रिडिक्ट का कोड लिख के दिखाता हूँ। सो कभी भी मुझे अगर कोई एक्स टेस्ट मिलेगा मुझे सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, मुझे रिटर्न करना है एम एक्स प्लस बी। सो आई वुड राइट सेल्फ डॉट एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स टेस्ट प्लस सेल्फ डॉट बी, दैट्स इट। सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हमने शायद कैलकुलेट किया था किसी के लिए, तो हमने कैलकुलेट किया था एक्स टेस्ट जीरो के लिए 3.89 आ रहा था। ठीक है, हम सेम काम करेंगे, हम एक्स टेस्ट जीरो के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो ये ना मेरा एक्स टेस्ट और उसका जीरो था आइटम इज दिस। मैं लिखूंगा एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट का जीरो और शायद मैंने रिटर्न तो किया है, इट्स नॉट वर्किंग। व्हाट इफ आई प्रिंट इट और रादर आई प्रिंट इट ओवर हियर, लेट्स सी। नन वैल्यू आ रहा है, नन क्यों आ रहा है? हमारे पास एक्स टेस्ट आ रहा है और एक्स टेस्ट में हम जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक काम करते हैं, ये फालतू का डिबगिंग हो गया गाइस, आई एम सॉरी। एक्स टेस्ट को प्रिंट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मुझे फिर से, ओहो माय बैड, मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब सिंस हमने यहाँ पे चेंजेस किए क्लास में तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, दैट वॉज द मिस्टेक। ये रहा मेरा स्लोप और बी का वैल्यू और मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ, ये रहा 8.58 जो मेरा वैल्यू है वो जा रहा है और 3.89 प्रिडिक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे प्रिडिक्ट हुई थी गाइस। सो दैट्स इट, हमने बना दिया एक खुद का एल्गोरिदम और ये काम कर रहा है। ठीक है, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद दिस इम्प्लीमेंटेशन। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए काम नहीं करेगा। वेयर एज जब आप साइकिट लर्न वाला इम्प्लीमेंटेशन यूज करोगे तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी काम कर देता है। बट डोंट वरी, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे और इस कोड को ऐसे इम्प्रूव करेंगे कि ये सिंपल वाला केस भी हैंडल कर लेगा, मल्टीपल वाला केस भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है, आप ये कोड खुद से लिखो। अगर आपको चीजें समझ में आ गई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स फेयरली सिंपल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। ठीक है, और यही करने से तो आप सीखोगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ सो गाइज प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते अच्छा लगता है मेरे को। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।